नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एकनाथ शिंदे की सरकार ने उद्धव ठाकरे द्वारा लिए गए नाम को बदलने के फैसले पर रोक लगा दी है, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब काम तेज होने की उम्मीद है। शिंदे सरकार ने इस प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करने का फैसला लिया है। वही उद्धव शिंदे के बीच तल्खी कायम है। एक शिवसेना अधिकारी ने बताया कि उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री पर मैं चर्चा कर रहा था, तभी एकनाथ शिंदे का फोन आया। ये सुनते ही उद्धव ठाकरे दूसरे कमरे में चले गए। इसी बीच प्रदेश के कई इलाके बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित इलाकों में NDRF की कुल 14 टीमें और 6 SDRF को तैनात किया गया है। तो उधर प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को आज तलब किया। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एकनाथ शिंदे की सरकार ने उद्धव ठाकरे द्वारा लिए गए नाम को बदलने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले ठाकरे ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम DB पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की थी। बता दें कि राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण को साबित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी। गवर्नर ने कहा था कि सरकार अल्पमत में है, ऐसे समय में आप लोकलुभावन निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही मुद्दा उस समय उठाया था। सूत्रों ने बताया कि तीनों का नाम बदलने का फैसला शिंदे सरकार नए सिरे से करेगी। उद्धव ठाकरे सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक सरकार गिरने से पहले 29 जून को हुई थी। इस बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नया नाम दिया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना अवैध और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। AIMIM नेता और सांसद इम्तियाज जलील ने भी औरंगाबाद का नाम बदलने का विरोध किया था। इसके खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की चेतावनी देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा था कि किसी के दादाजी की इच्छा के लिए नाम नहीं बदलना जाना चाहिए। औरंगाबाद शहर की पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक पहचान है। गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई की दूरी को कम करने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब महाराष्ट्र में भी काम तेज होने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करने का फैसला लिया है। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व MD सतीश अग्निहोत्री ने इस संबंध में महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने कुल 16 मुद्दे गिनाए थे, जिन्हें दूर करने पर बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी आ सकती है। इनमें से कई मसलों को एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली सरकार ने दूर कर दिया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस भी दे दिया गया है। अग्निहोत्री ने 7 जुलाई को ही लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि जापानी एजेंसी की ओर से दबाव है कि महाराष्ट्र में काम पिछड़ रहा है। इस परियोजना के संबंध में टेंडर्स को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जिसमें 81% की फंडिंग जापान द्वारा की जा रही है। अग्निहोत्री के पत्र पर एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को मीटिंग की थी और उन मसलों को दूर करने का फैसला लिया, जिनके चलते परियोजना में देरी हो रही है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सभी जरूरी क्लियरेंस दे दिए हैं। ठाकरे शिंदे के बीच शिवसेना की रार है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से किस कदर नाराज है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। शिवसेना के कल्याण महानगर प्रमुख विजय सालवी ने कल्याण में आयोजित शिवसेना के निर्धर मेले में इस नाराजगी की एक और कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री पर मैं चर्चा कर रहा था, तभी एकनाथ शिंदे का फोन आया। ये सुनते ही उद्धव ठाकरे दूसरे कमरे में चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि एकनाथ शिंदे किस बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि कल्याण डोंबिवली में शिवसेना BJP पिछले 25 साल से सत्ता में है। कल्याण शिवसेना का गढ़ है। एकनाथ शिंदे के राजनीतिक विद्रोह के बाद शिवसेना की यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है। कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, ठाणे के कई पदाधिकारी शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। फिर भी शिवसेना के कई पदाधिकारी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ है। पार्टी ने शिव सैनिकों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक तरफ पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे का वफादारों से मिलने का सफर शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर जिला संपर्क प्रमुख के मार्गदर्शन में निर्धर मेला शुरू हो गया है।
कल्याणपूर्व में भी शिवसेना का निर्धर मेला आयोजित किया गया। बैठक में जिला संपर्क प्रमुख अनित बिजरे, लोकसभा संपर्क प्रमुख सुभाष भोईर, महानगर प्रमुख विजय सालवी, शरद पाटिल, चंद्रकांत बोडारे, धनंजय बोडारे, राजेंद्र चौधरी, हर्षवर्धन पलांडे समेत कई शिवसैनिक मौजूद थे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते तबाही मची है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, सड़कें पानी में डूबी है, नदियों का पानी सड़क पर आ गया है, लगातार बारिश जारी है। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें और 6 एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 99 पहुंच गई है। वहीं 181 जानवरों की मौत हो चुकी है। 7,963 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पालघर जिले, पुणे और सातारा में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में आज येलो अलर्ट जारी किया गया। गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश के बाद बिगड़ते हालात के मद्देनजर 29 गांवों के 3,000 से अधिक लोगों को एहतियाती तौर पर सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार गोदावरी, कालेश्वरम और इंद्रावती नदी में पानी के खतरे निशान से ऊपर पहुंच गया है, जबकि वैनगंगा, प्रणहिता और वर्धा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है। बाढ़ आने के खतरे के मद्देनजर इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार येलमपल्ली बांध से 12.47 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़े जाने के बाद अहेरी और सिरोंचा तालुका के गाँवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। इसके अलावा जिले में नालों के भरे होने और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण 10 से अधिक रास्ते जाम हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडेय को आज तलब किया। उनसे एनसीआई कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पेश होने के लिए कहा गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने मुंबई के रिटायर्ड पुलिस आयुक्त संजय पांडे की एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से टैप करने के काम में लगाया था। सीबीआई और ईडी ने संजय पांडे, उनकी दिल्ली स्थित कंपनी एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और एनएससी के हेड महेश हल्दीपुर को आरोपी बनाया है। 1986 बैच के आईपीएस संजय पांडे बीते 30 जून को रिटायर हुए हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में 4 महीने के कार्यकाल से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में काम किया। इससे पहले एनएससी के को लोकेशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय पांडे ईडी के सामने पेश हुए थे। संजय पांडे का मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यकाल काफी विवादों में रहा। रिटायर होने के 3 दिन बाद ही ईडी ने उन्हें समन भेज कर तलब कर दिया गया। एक विस्ल बोर ने बाजार नियामक सेबी के पास लिखित शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि एनएससी के कुछ अधिकारी को लोकेशन के जरिए चुनिंदा ब्रोकरों को वरीयता देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। वे अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय एनएससी टिकट बाय टिकट सर्वर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष बनाम एनडीए की जंग में कई गठबंधनों पर चोट लगने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन को लेकर गठबंधनों में दरार पड़ती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही दिल्ली में चलती कार में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो उधर बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है। इसी बीच आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दलों से जोरदार समर्थन मिल रहा है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू का साथ देने का ऐलान किया है। अब मौजूदा सियासी हाल में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष बनाम एनडीए की जंग में कई गठबंधनों पर चोट लगने के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कई प्रमुख दलों की राय अपने सहयोगियों से जुदा है। खास बात है कि अगर समर्थन को लेकर गठबंधनों में दरार पड़ती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब मुर्मू के साथ आ गए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ थे, लेकिन शिवसेना ने मुर्मू के पक्ष में जाने का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस यशवंत सिन्हा के साथ है।
उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर अभी कुछ निश्चित नहीं है। तोहफे में कार देने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच एक नया विवाद भी शुरू होने की खबर है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। साल की शुरुआत तक कांग्रेस 3 राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सत्तारूढ़ थी, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में गद्दी संभाल रहे गठबंधन का हिस्सा थी। अब संबंधों के लिहाज से महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह कांग्रेस अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही है। सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले आज एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी एक नए आदेश के अनुसार संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए इसके परिसर का उपयोग नहीं कर सकते। पीसी मोदी के आदेश में कहा गया है कि सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने सदस्यों से सहयोग की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने आदेश की चिट्ठी ट्वीट करते हुए लिखा, विश्व गुरु की नवीनतम सलाह धरना मना है। बता दें कि इसके पहले लोकसभा सचिवालय ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ शब्दों और मुहावरों की लिस्ट जारी की है। इनका प्रयोग संसद में गलत और असंसदीय माना जाएगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये सरकार की आलोचना करने की उनकी क्षमता को बाधित करेगा। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा सचिवालय के इस फैसले को चुनौती दी है। एक और निर्भया रौंदी गई। दिल्ली में चलती कार में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को शराब पिलाकर कार में वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली से गाजियाबाद तक सड़क पर कार को घुमाते हुए बच्ची के जिस्म को नोचते रहे, उसके साथ अननेचुरल सेक्स भी किया और घिनौनी वारदात को मोबाइल कैमरे में कैद करते रहे। पीड़िता की शिकायत के बाद वसंत विहार पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता वसंत विहार इलाके की रहने वाली है। वह दिल्ली के एक स्कूल में 10वीं की स्टूडेंट है। पीड़ित ने बताया कि 6 जुलाई को वह अपनी सहेली के घर मोतीबाग गई थी। रात में लौटते समय वसंतगांव मार्केट के पास दो लड़के मिले जो उसे घूमने के बहाने साथ ले गए। इसके बाद उन दोनों ने अपने एक तीसरे दोस्त को बुलाया जो वैगनार कार ले आया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पिला दी और वारदात को अंजाम दिया। छात्रा का आरोप है कि शराब पिलाने के बाद तीनों ने बारी बारी उसके साथ गैंगरेप किया। वे कार को दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे, दिल्ली से गाजियाबाद तक ले गए और गैंगरेप करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। गाजियाबाद से दोबारा वे दिल्ली पहुंचे और यहां पीड़िता को कार से उतारकर फरार हो गए। बच्ची ने थाने में पहुंचकर आपबीती बताई तो पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। वसंत विहार पुलिस ने आईपीसी की अनेक धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है। AK-47 मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्य के रूप में अनंत सिंह की सदस्यता छीनी गई है। कल बिहार विधानसभा ने अधिसूचना जारी की है। वहीं अब विधानसभा में राजद के विधायकों की संख्या 79 हो गई है। हालांकि राजद अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल 2019 में बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदवा गांव स्थित पैतृक विवास से AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। बाढ़ जिले के तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने दावा किया था कि उनके पास हथियारों की तस्करी का पुख्ता सूचना है। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उनके पैतृक आवास से AK-47 जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। छापेमारी के बाद बिहार पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह फरार हो गए थे। हालांकि 3 से 4 दिन बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस उन्हें बाढ़ ले गई थी। वह 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनकी विधायकी भी छिन गई है। खास पहचान और रुतबे के बल पर पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती रही। अब एक तरह से उनके राजनीतिक करियर पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है।
सावन माह शुरू होते ही यूपी समेत देश भर में कांवड़ यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच इन यात्राओं को कट्टरपंथियों या आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। सावन लगते ही गुरुवार से देश की पवित्र नदियों से शिव मंदिरों में जल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रियों के जत्थे रवाना हो गए हैं। यूपी समेत देश के अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर ये यात्राएं निकाली जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के तत्काल इंतजाम करें। गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का अलर्ट किया है। गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को भी कांवड़ यात्रियों पर हमले के खतरे को देखते हुए ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल इस साल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। करीब 1 माह चलने वाले मेले के दौरान कम से कम 4 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार और पड़ोसी ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी का पानी लेने पहुंचेंगे। सावन माह में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के कांवड़िये पैदल गंगा जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं और अपने घर लौटकर मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना का निधन हो गया है। 73 साल की उम्र में मैनहट्टन स्थित अपने ही घर में उनकी मौत हो गई। तो एयर इंडिया बम धमाके में बरी सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं अडानी समूह ने हाइफा बंदरगाह पोर्ट की बिड जीत ली है। भारत का अडानी समूह और इजराइल का गेटोर्ड मिलकर इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह का संचालन करेंगे। तो उधर जिस रफ्तार से ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन का अगला पीएम बन सकते हैं। इस बीच नीदरलैंड के सांसद गिट विल्डर्स ने हालिया ट्वीट में कहा कि भारत के हिंदुओं अपने लिए खड़े हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपका समर्थन करता हूं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली पत्नी इवाना का निधन हो गया है। 73 साल की उम्र में मैनहट्टन स्थित अपने ही घर में उनकी मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि वो अद्भुत सुंदर महिला थी जिसने शानदार और प्रेरक जीवन जिया। उसे हम सभी पर गर्व था और हमें उस पर। इवाना और ट्रंप की बेटी इवांका की सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दिवंगत माँ के लिए भावुक संदेश लिखा है। इवांका ट्रंप ने लिखा है कि मैं उन्हें हमेशा मिस करूंगी, उनकी यादों को हमेशा अपने दिल में सजो कर रखूंगी। इवांका ने यह संदेश लिखते हुए अपनी माँ की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है। इवांका ने लिखा कि माँ की मौत से मेरा दिल टूट गया है। वो बेहद विद्वान, चार्मिंग, जुनूनी और खुश रहने वाली थी। इवाना और डोनाल्ड ट्रंप के 3 बच्चे हैं। इनमें से एक बेटी इवांका ट्रंप है। इसके अलावा ट्रंप जूनियर और इरिक ट्रंप भी दोनों की संतानें हैं। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इवाना ट्रंप की मौत सीढ़ियों से गिरे होने के चलते होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस इसे हादसा मान रही है और उनकी मौत की जाँच में जुटी है। जल्द ही इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई। खबरों के मुताबिक इवाना ट्रंप सीढ़ियों के पास मृत पाई गई थी। एक दौर में मॉडल रही इवाना ट्रंप की बड़ी भूमिका पति डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को बेहतर करने में भी मानी जाती है। उन्होंने उनके मीडिया कैंपेन को भी लंबे समय तक लीड किया था। एयर इंडिया बम धमाके में बरी सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के मेट्रो वैंकूवर इलाके में अंजाम दिया गया। पुलिस इसे टारगेटेड किलिंग मान रही है। मलिक 1985 में एयर इंडिया की उड़ान कनिष्क में आतंकवादी बमबारी मामले में आरोपी था। हालांकि उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, जिसमें 329 लोगों की जान चली गई थी। इस प्लेन ने कनाडा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। बम धमाके के बाद भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में वो साल 2005 में बरी हो गए थे। मलिक को साल 2020 में सिंगल एंट्री वीजा और 2022 में मल्टीपल एंट्री वीजा दिया गया। मलिक ने इसी साल मई जून में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने भारत में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में कई तीर्थ यात्रा की थी। इस साल जनवरी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा था। साथ ही उन्होंने खालिस्तान की मांग को त्यागने को लेकर भी समुदाय को एक खुला खत लिखा था।
उन्होंने लिखा था कि आपकी सरकार ने सिख समुदाय के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है। आपके ऐसे अभूतपूर्व और सकारात्मक कदमों के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मलिक की हत्या ने कई अटकलों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि ये हमला उसके अतीत के मामलों से जुड़ा हो सकता है। अडानी समूह ने हाइफा बंदरगाह पोर्ट की बिड जीत ली है। भारत का अडानी समूह और इजराइल का गेटोर्ड मिलकर इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह का संचालन करेंगे। अडानी और गेटोर्ड ने मिलकर इसके लिए 4.1 बिलियन शकेल की बोली लगाई। भारतीय रुपए में ये रकम लगभग 94 अरब है। पोर्ट ऑफ हाइफा को भी इतनी भारी रकम राशि मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बिड में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य समूहों से एक के वरिष्ठ सदस्य ने इतनी राशि खर्च करने को पागलपन करार किया। इन दोनों कंपनियों के मिलकर DAO इजराइल शिपयार्ड और शाफिर इंजीनियरिंग को हराया। इस समूह में अडानी की हिस्सेदारी 30% और गेटोर्ड की हिस्सेदारी 70% की होगी। गेटोर्ड हाइफा इजराइल में अनाज और रसायनों के आयात पर एकाधिकार रखता है। वही इसके 30% हिस्सेदारी का मौका अडानी समूह को मिला है, जिसके मालिक गौतम अडानी हैं, जो कि दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति में से है। अडानी समूह के पास भारत में 10 बंदरगाह है और हाइफा में निविदा के लिए संपर्क करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वही हाइफा बंदरगाह इजराइल के अशदोद बंदरगाह के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2021 में इजराइल में सभी कंटेनर कार्गो का लगभग 47% हिस्सा इससे होकर गुजरा था। कार्गो क्षेत्र के अलावा यात्री यातायात और क्रूज जहाजों के मामले में हाइफा इजराइल का मुख्य बंदरगाह है। 2021 में हाइफा का राजस्व 845 मिलियन शकेल और युद्ध लाभ 271 मिलियन शकेल था। जिस रफ्तार से ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन का अगला PM बन सकते हैं। वे अपनी पार्टी के अंदर दूसरे राउंड की वोटिंग में सबसे टॉपर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी पर जबरदस्त पकड़ बना ली है। दूसरे राउंड के वोटिंग में एक अन्य भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन इस रेस से बाहर हो गई है। सुएला ब्रेवरमैन को दूसरे राउंड की वोटिंग में मात्र 27 वोट मिले हैं। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट रह गए हैं। इन 5 उम्मीदवारों में अभी 3 और उम्मीदवार बाहर होंगे। इसके बाद 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव होगा। इसमें जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलेंगे वो अक्टूबर में ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी होंगे। दूसरे दौर की वोटिंग में बाहर हुए भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन अगर ऋषि सुनक को समर्थन देती है तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। पहले राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा 88 वोट मिले थे। अब आगामी गुरुवार को अगले राउंड की वोटिंग होगी। ऋषि सुनक ने कहा है कि वे विपक्षी दल लेबर पार्टी को हराने के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है। उनका अभियान तेज गति से चल रहा है। ब्रिटेन के सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक ब्रिटेन में चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने वाले अंतिम 2 उम्मीदवारों में शामिल हो सकते हैं। अगर सुनक वहां के PM बने तो ये भारतीयों के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। भारत के साथ रिश्ते को और मजबूती मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। न सिर्फ अपने देश बल्कि बाहरी मुल्कों में भी नुपुर शर्मा की जमकर आलोचना हुई, लेकिन सात समंदर पार से एक सांसद लगातार उनका समर्थन करते रहे। इसके बदले में उन्हें धमकियां भी मिली। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन नीदरलैंड के सांसद गीट विल्डर्स लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर बोलते रहे। अपने हालिया ट्वीट में डच सांसद विल्डर्स ने कहा है कि भारत के हिंदुओं अपने लिए खड़े हो, अपनी सुरक्षा, मूल्यों और संस्कृति के लिए नुपुर शर्मा के लिए आप इसके योग्य है, साहसी बने, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपका समर्थन करता हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डच सांसद ने नुपुर शर्मा या हिंदुओं के समर्थन में ट्वीट किया है। विल्डर्स अक्सर इस्लाम पर निशाना साधते रहते हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा था कि हमें कुरान और मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की भी कोशिश करनी चाहिए और अदालत में साबित करना चाहिए कि भेदभाव, अधीनता, हिंसा और असहिष्णुता उनकी विचारधारा के मूल में है और इसके बिना समाज अधिक स्वतंत्र होगा। विल्डर्स ने कहा कि मेरा मानना है कि इस्लामिक विचारधारा दुनिया के लिए खतरा है, न कि मुसलमान। अगर आप इस्लाम की आलोचना करते हैं तो आप इस्लामोफोब नहीं है। मेरा मानना है कि नुपुर शर्मा इस्लामोफोब नहीं है। दरअसल इस्लामिक विचारधारा खतरा है जो पूरी तरह असहिष्णु है। इस्लाम हर उस चीज के प्रति असहिष्णु है जो इस्लामिक नहीं है। इसीलिए इस्लामोफोबिया नहीं, इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। तो वीकेब न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेब न्यूज। नमस्कार।